जय श्री राम। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने फर्स्ट आर्ट कंपटीशन के विनर्स के नाम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं और ये हमारे सेकंड आर्ट कंपटीशन का रेफरेंस स्केच वीडियो है और इस बार हम संकट मोचन हनुमान जी का स्केच ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये कुछ छोटे बच्चों की बनाई हुई आर्ट्स हैं जो लास्ट कॉम्पिटिशन का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि सभी ड्राइंग्स बच्चों ने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छी बनाई है और हम सभी बच्चों को इसके लिए बधाई देते हैं। अपने लास्ट कंपटीशन में हमने सिर्फ 9th क्लास तक के बच्चों को इनवाइट किया था, लेकिन इस बार हम बड़े बच्चों को भी इनवाइट कर रहे हैं, वे भी अपने ड्राइंग्स को इस कंपटीशन में दे सकते हैं। लेकिन इस बार फर्स्ट 100 एंट्रीज को ही कंसिडर किया जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि आपकी आर्ट हमारे पास जल्दी से जल्द पहुँच जाए। लेकिन इस आर्ट कॉम्पिटिशन में हमने कुछ गाइडलाइंस बनाई है जिनको आपको फॉलो करना है, और अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स काटे भी जाएंगे। आप अपनी आर्ट्स को 707-814-3124 इस नंबर पर भी हमें अपनी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ड कॉपीज भी आप हमें दे सकते हैं। तो उन गाइडलाइंस को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है ताकि आप सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कंपटीशन को जीत सकें। आर्ट बनाते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। बाकी का प्रोसीजर सेम होगा, वोटिंग के थ्रू आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके आर्ट्स को एक नंबर दिया जाएगा और जो व्यूअर्स हैं वे लोग उन नंबर्स को कमेंट के थ्रू वोटिंग करेंगे और जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे और जो सभी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा उसे विनर घोषित किया जाएगा, और जो आर्टिस्ट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा उसके मार्क्स काटे भी जाएंगे। चलिए सबसे पहले लास्ट कंपटीशन के फर्स्ट 2 विनर्स के आर्ट की कमियां देखते हैं। इस आर्ट में दोनों शोल्डर्स में बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है। सबसे पहले देखिए, जो बेसिक लाइंस थी जो फेस ड्रॉ करने की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, वो यहाँ पे या तो रब कर दी गई है या फिर ड्रॉ नहीं की है। ऐसा आपको नहीं करना है। ज़्यादा डार्क तो नहीं, लेकिन हल्की सी वे लाइनें जरूर दिखाई देनी चाहिए। अब चलते हैं सेकंड आर्ट विनर के ड्राइंग पे। आप देख सकते हैं इसमें बेटर ड्रॉ की गई है चीज़ें। फर्स्ट देखिए आप, इनके नेक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हैं, नीचे की जो बोन्स हैं वे भी, इसके अलावा दोनों साइड की सिमेट्री फेस की, आइज़ की, नोज़ की जो लाइन्स हैं वे भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो फेस ड्रॉ किया गया उसमें प्रॉपर लाइनिंग की गई है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस हैं। बट क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ वोटिंग के बेस पे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, इसलिए दूसरी आर्ट को फर्स्ट प्राइज दिया गया। लेकिन इस बार गाइडलाइंस को फॉलो किया है या नहीं, इस बात को भी कंसिडर किया जाएगा। तभी इस बार गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया ताकि आपके मार्क्स ना कटें। तो चलिए अपना नेक्स्ट स्केच स्टार्ट करते हैं बजरंगबली का। तो सभी आर्ट कॉम्पिटिटर्स को ऑल द बेस्ट। सभी गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलोअप कीजिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप कोई भी गलती ना करें और कोशिश करें कि आप इस कॉम्पिटिशन के विनर्स हों। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने ड्राइंग पेज को हम 2 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। अगर लेआउट की बात करें तो इस जगह हनुमान जी का फेस आएगा और यहाँ उनका मुकुट आएगा। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने फेस को 5 इक्वल हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। आइए अब इन पर हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं। इस जगह हमारी आईज आएंगी और ऊपर ये फोरहेड का सेक्शन है, तो यहाँ पर आईज, यहाँ नोज, नोज के नीचे यहाँ पे माउथ और फाइनली चिन का सेक्शन, जैसा कि हमने प्रभु श्री राम के स्केच में किया था। अब आईज के बीचों बीच बिल्कुल दोनों इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लगेंगे बिल्कुल इक्वल यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को नीचे से मिला देते हैं ऐसे, और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी इस तरीके से,
ये मिलाया हमने और अब इनको आगे बढ़ाएंगे डबल कर्व। अब टीको को धीरे से ऊपर उठाइए इस तरीके से डबल ये, और यही चीज़ हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे इस तरीके से। और अब हम सेंटर का टीका ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा फ्लैट रखेंगे आपकी बार ऐसे, और उसके बाद इसको ऊपर उठाएंगे दोनों साइड से थोड़ा इस तरीके से और ऐसे। ये देखिए आईज को बनाने के लिए वर्टिकल लाइंस के दोनों साइड के सेक्शंस को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और अब दोनों साइड के इक्वल पार्ट्स को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करेंगे, यानी इनको भी आधा आधा करेंगे, इस साइड भी और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे हम यहाँ पर, और फिर दोबारा से इक्वल हाफ्स को भी और इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे, यानी अब हर तरफ हमारे पास में फोर सेक्शंस हो जाएंगे। पहले इसे आधा किया और इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको भी हाफ करते हैं, उस साइड भी ये हाफ किया हमने। अब हमारे पास फोर सेक्शंस हो चुके हैं, और यहाँ पर भी ऐसे करेंगे हम हाफ, फिर उसका भी हाफ, ये हमने कर दिया। तो दोनों साइड्स हमारी फोर फोर इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का सेंटर है ये, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेंटर है ये, और इसी तरीके से उन दो पॉइंट्स का सेंटर ये वाला है। तो इस जो हमने फोर इक्वल सेक्शंस डिवाइड किए हैं, इसमें जो सेंटर का पोर्शन है ये हमारे आई के इक्वली होता है, जो नोज के ऊपर का हिस्सा होता है। तो देखा जाए तो ये चारों पॉइंट्स हमने आई को बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ करने के लिए, उसका साइज मालूम करने के लिए बनाए हैं। तो चलिए पहले आई ड्रॉ करते हैं लेफ्ट साइड की। यहाँ से इसको कर्व एक ऊपर उठाएंगे गोल, और ले जाके मिला देंगे हम अपने थर्ड वाले पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट को हमने मिलाया, देखिए ठीक है। और सेम यही चीज करेंगे हम दूसरी साइड में, राइट साइड में कर्व लेके गए, फर्स्ट साइड से उठा के और थर्ड से मिला दिया। अब यही काम करना है हमें नीचे की साइड में, फर्स्ट से थर्ड तक राइट साइड का कर्व हम नीचे से लेके जाएंगे और ले जाके मिला देंगे थर्ड पॉइंट तक, और सेम यही चीज रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड में भी। देखिए इस तरीके से अब सेंटर का पीपल ड्रॉ करते हैं, जो सेकंड पॉइंट था हमारा लाइन पे, इसमें आग के बीचों बीच इसको पीपल को सर्कल ड्रॉ करेंगे दोनों साइड इस तरीके से, और फिर हमारा काम होगा उनको डार्क करना। अब आई के ऊपर जो लाइन होती है, आई को प्रॉपर शेप देने के लिए बिल्कुल ऊपर के लाइन के ऊपर एक लाइन और खींचेंगे इस तरीके से, और सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी तरफ। अब आयरिस ड्रॉ करते हैं, तो पहले लेफ्ट साइड के आई में आयरिस का फर्स्ट लाइन देखिए, और कभी भी जो आयरिस है वो कंप्लीट, जो बॉल होती है आई बॉल जो बीच में दिखती है जो आयरिस की, वो कभी भी पूरी नहीं होती, सर्कल नहीं होता, बल्कि हाफ ही दिखाई देता है। देखिए इस साइड से भी इसी तरह से करेंगे हम, यहाँ से भी इतना, और सेम सर्कल होना चाहिए इस तरह से हाफ, इधर से भी इसी तरीके से। अक्सर हम नीचे वाली ये लाइन ड्रॉ करना भूल जाते हैं आई की, जिसके कारण आई हमारी बिल्कुल एक्चुअल लुक नहीं आता है। इस लाइन को जरूर ड्रॉ करना है आपको। आईलिड का अपर हिस्सा डार्क जरूर करें ताकि ऐसे दिखाई दे डार्क, एकदम देखने में अच्छा लगता है इससे और रियल लुक आता है आई को। और सेम यही चीज लोअर सेक्शन में भी करना है हमें इस तरीके से, नीचे भी सेम यही चीज दूसरी आई में भी रिपीट करनी है हमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो प्यूपल है उसके साथ में एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करें दोनों आईज में, इसको हमें एज इट इज छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ना है, बाकी सब डार्क हो जाएगा लेकिन ये हिस्सा हमारा एज इट इज ही रहेगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है वो ये है कि जो वर्टिकल लाइन है सेंटर की, इसके दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे दोनों आईज बननी चाहिए, और ऐसे ही तिलक दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अगर इस चीज को फॉलो नहीं किया गया तो आपके मार्क्स कटेंगे।
तो चलिए अब नोज ड्रॉ करते हैं। तो बिल्कुल जिस जगह पे हमारी थर्ड लाइन थी उस लाइन के थोड़ा नीचे मार्क करके हल्का सा, और ऐसे तिलक के बिल्कुल नीचे पॉइंट लेके और नीचे वर्टिकल लाइन के दोनों साइड हम इक्वल पॉइंट्स पे मार्क करते हैं और एक हल्का सा कर्व बनाएंगे इस जगह पे, देखिए इस तरीके से। अब इस कर्व को साइड से ले जाके किनारे पे थोड़ा सा हमें घुमाना है, हल्का सा नॉस्ट्रिल्स वाली शेप देनी है, जो नाक के छेद होते हैं वो वाली, ये देखिए। और अब साइड से, इनके साइड से हम पहले दो पॉइंट्स देखेंगे, बिल्कुल सीध जो हमारे नॉस्ट्रिल्स की सीध तिलक के एंड से मिलनी चाहिए, ये आपको फॉलोअप करना है, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। इसके बाद आपको दो लाइंस खींचनी है ऊपर से, जो सीधी आईज की स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींचनी है दोनों साइड। पहली लाइन देखिए ये खींची, नोज तक लेके आनी है, और इसी तरीके से दूसरी लाइन लेके आएंगे हम। और अब नोस्ट्रिल से इन लाइंस तक हमको नोज के एंड्स मिलाने हैं कर्व, इस तरीके से देखिए गोल घुमा के ऐसे। इसके बाद तिलक से अंदर की तरफ को दो कर्व बनाइए इस तरीके से, ये नोज को शेप्स देने के लिए है, अंदर की शेप्स जो है इस तरीके से। इस जगह पे एक पॉइंट भी बनाइए नाक के ऊपर ऐसे। आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने आईब्रोज नहीं बनाई है, तो आईब्रोज हमारी आई के एंड से लेके नोज दोनों को एक लाइन खींचेंगे हम यहाँ से लेके वहां तक, और उसके अकॉर्डिंग जो एंड पॉइंट होगा वहां पे जाके आईब्रोज मिलेगी। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन। और इसी तरीके से सेकंड लाइन खींचेंगे। देखिए जिस जगह पे ये लाइन जाके मिली है इसके थोड़ा ऊपर ले जाके हम अपनी आईब्रोज को मिलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लाइन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ले जाके एंड तक मिलाएंगे। और सेम रिपीट करते हैं दूसरी तरफ। अब हनुमान जी के नाक के नीचे की लाइंस इस तरीके से माउथ तक लेके आएंगे दो लाइंस खींच के। अब पीपल से लेके नीचे तक, जो जहां तक लाइन हमने खींची थी नोज के नीचे की, यानी कि जहां माउथ बनेगा वहां तक एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, और सेम ये रिपीट करेंगे हम दूसरी तरफ से। इससे हमें उनके माउथ की विड्थ पता लग जाएगी कि कितने चौड़ाई रखनी है उनके माउथ की। अब माउथ ड्रॉ करते हैं, ये देखिए माउथ की लाइन इधर से उठा के लेके जाएंगे और वहीं तक जहां तक पॉइंट आया था ये हल्का सा कर्व करके नीचे और फिर ऊपर को इस तरीके से दोनों तरफ से ड्रॉ कर लिया। अब इसको डबल कर लेते हैं इस तरीके से। अब नीचे माउथ की लाइन देखिए इस तरह से कर्व करके नीचे और फिर ऊपर हल्का सा करके मिलाना है। अब सबसे नीचे की कर्व जो है, सबसे नीचे का कर्व, ठोड़ी से ऊपर का कर्व जो है, चिन से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब आयरिस के एंड से नीचे तक एक वर्टिकल लाइन खींचिए, बिल्कुल सीधी लाइन यहां तक जो चिन से ऊपर तक आएगा, और सेम यही चीज हम दूसरी तरफ से करेंगे ताकि हम जो उनके माउथ जो होता है उसकी गोलाई को दिखा सके। हमारे पास अब ये बन गया एक एरिया जहां पर हमको गोलाई लेके आनी है इस तरीके से दोनों साइड से। अब फेस की गोलाई ड्रॉ करते हैं नोज के नीचे से, देखिए गोल कुछ एप्पल शेप में इस तरीके से लेके आएंगे दोनों साइड से, यहां से भी, यहां से गोल करके लेके आइए इस तरीके से, और नीचे जहां चिन बननी है वहां तक हमें लेके आना है इसको को। ये देखिए दोनों तरफ से मिला दिया हमने, यहाँ पर चिन बन गई है। तो चलिए अब हनुमान जी के कान ड्रॉ करते हैं। उनके आईब्रो से थोड़ा गैप देके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक कर्व घुमा के और हनुमान जी की नोज के एंड तक यहाँ से उठाएंगे थोड़ा सा और ले जाके गोल करके यहाँ से हम मिला देंगे इस तरीके से। तो सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड भी।
वहीं आईब्रो से लेके नीचे घुमा के लेके आएंगे और नोज के एंड तक जो हमने लाइन खींची थी वहां तक लेके आएंगे इस तरीके से। अब हनुमान जी के मुकुट के लिए आइडिया लेना है तो कान के सेंटर से, दोनों साइड के कान के सेंटर से हमें एक वर्टिकल लाइन दोनों साइड्स में खींचनी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इससे हमें आइडिया लग गया कि मुकुट हमारा किस विड्थ तक आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मुकुट बनाना। सेंटर से स्टार्ट करके टीके के जस्ट ऊपर से हम लाइन को लेके जाएंगे ऊपर की तरफ कर्व करके, और ये ले जाके यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की थी हमने वर्टिकल वहाँ मिलाई बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी तरफ से। और इसके बाद इसको डबल करेंगे हम मुकुट को प्रॉपर लुक देने के लिए इस तरीके से, और बिल्कुल यही दूसरी साइड से। ये देखिए अब हनुमान जी के बालों पे वर्क स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम इनको थोड़ा सा करली लुक देते हुए नीचे लेके आएंगे इस तरीके से। और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे साइड के हेयर ऐसे ही लेके आएंगे, हल्का सा कर्व देके उनको कर्ली हेयर, और ले जाके नीचे माउथ के साइड में लाके मिलाएंगे इस तरीके से। अब थोड़ा कानों को लुक देते हैं, थोड़ा रियल लुक इस तरह से, बिल्कुल दूसरी तरफ भी यही। और थोड़ा कान के जो पिना है इस पे थोड़ा वर्क करते हैं, इसको बाहरी कान कहा जाता है इस तरीके से, और इसी तरीके से दूसरी साइड। अब बजरंग बली के कुंडल ड्रॉ करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं इस तरीके से। ये फर्स्ट कर्व था और फिर लेके जाएंगे सेकंड कर्व इसी तरीके से, और सेम चीज रिपीट करेंगे दूसरे कान के लिए। तो चलिए मुकुट का अब डिजाइन ड्रॉ करते हैं। उसके लिए पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ऐसे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, और फिर इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाते हैं इसको सेंट्रल में लेके। अब थोड़ा आईब्रोज को डार्क कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके लिए मैंने ये चारकोल पेंसिल यूज की है, ब्लैक चारकोल। आप भी इसको यूज कर सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल होती है डार्क कलर करने के लिए, ब्लैक डार्क करने के लिए, स्पेशली आईब्रोज के लिए। तुम रखवारे हो तो ना गया गन
पै सारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहु को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अब आयरिस को डार्क करते हैं। इसे डार्क करते हुए जो हमने अलग से पीपल के अलावा जो सर्कल छोड़ा था उसको ऐसे ही छोड़ना है, उसे हम बिल्कुल भी टच नहीं करना है, डार्क नहीं करना है। अपर आईलिड के नीचे का हिस्सा ज्यादा डार्क रखें। आयरिस के कॉर्नर्स को और नीचे लोअर आईलिड को डार्क रखने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। अब नेक पर वर्क करते हैं, तो दोनों साइड के ईयर्स के जस्ट नीचे से स्टार्ट करना है हमें, कानों के नीचे इस तरीके से। एक कर्व्ड लाइन लेनी है हल्की सी जो थोड़ी सी बाहर को निकली हो नीचे से, सेम ये दूसरी तरफ रिपीट करना है हमें इस तरीके से। अब आइस के सेंटर से चिन तक नाप के स्केल से और चिन के बॉटम से नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन चेस्ट के अपर बोन की पोजीशन बताएगी। अब यहाँ से हम शोल्डर तक की बोन्स को बना सकते हैं जो जाके डेल्ट से मिलेगी इस तरीके से। तो चिन के नीचे जो लाइन ड्रॉ की है इसके सेंटर में लेके उसे थोड़ा सा ऊपर हम जो है मार्क करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जहां से हमारे डेल्ट स्टार्ट होंगे। यहां से डेल्ट बनाते हैं इस तरीके से। अब दूसरी तरफ ये देखिए, और इसी तरीके से दूसरे साइड की बोन बनाएंगे हम इस तरीके से। अब नेक मसल्स को शो करते हैं। फर्स्ट मसल राइट साइड से इस तरह से। और इसी तरीके से दूसरे साइड की मसल ऐसे। अब हनुमान जी के हेयर पे वर्क करते हैं, बालों पे, कानों से नीचे लेके जाते हैं इस तरीके से, और जितने सुंदर दिखाई दें उसी हिसाब से इनके बालों को ड्रा करते हैं दोनों तरफ के। अब इनके बियर्ड बनाते हैं, दाढ़ी हल्की हल्की इस तरीके से कर्ल करते लेके आएंगे बालों को हम। इनिशियली इन्हें हल्के रखेंगे, डार्क नहीं करेंगे, बाद में इनको एक शेप आने के बाद इनको फिर डार्क कर देंगे इस तरीके से। अब थोड़ा डिटेलिंग वर्क करते हैं जिससे कि चीजें और अच्छी दिखाई दें। तो थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, चारकोल पेंसिल यूज कर रहे हैं फिर से। मार्केट में ये पेंसिल सिर्फ 20 रुपए तक की मिल जाती है, 20 रुपीस की, तो आप लेके बड़े आराम से बहुत अच्छी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं इससे। डार्क करने से इमेज काफी हद तक उभर के आ गई है, देखिए। अब थोड़ा मुकुट भी डार्क कर लेते हैं। हेयर को डार्क करते हुए आपको स्पेशल ध्यान देना है कानों को बचा के, कान डार्क नहीं होने चाहिए, सिर्फ बाल ही काले हो। ना
से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान चुरावे मन कम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा दिन के आप देख सकते हैं चेहरा अलग ही उभर के आ रहा है जैसे जैसे बाल डार्क होते जा रहे हैं फेस का प्रॉपर लुक उभर के आ रहा है चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता फाइनली हनुमान जी की माला ड्रॉ करते हैं तो दोस्तों ये है हमारी इस बार के आर्ट कॉम्पिटिशन के रेफरेंस ड्राइंग। इस रेफरेंस ड्राइंग को बनाने के लिए हमने 2B पेंसिल यूज की है, आर्ट लाइन की 2B पेंसिल, इसके अलावा 6B, 8B और कुछ ब्लेंड करने के लिए ब्रश यूज किया है और इन हिस्सों को डार्क करने के लिए जो आप देख सकते हैं जिनसे डार्क किए गए हैं इनको डार्क करने के लिए कैमलिन की ब्लैक चारकोल पेंसिल यूज की है डार्क वाली जिसमें ब्लू स्ट्रिप्स होती है। जो येलो स्ट्रिप की होती है उसमें इतना डार्क नहीं आता है, ब्लू स्ट्रिप की जो चारकोल पेंसिल वो हमेशा डार्क करती है। तो जितने भी ये पोर्शन है जैसे आपने देखा आईब्रोज है या बाकी के और पोर्शन है हेयर वगैरह है ये सब के सब इसी से डार्क किए गए। तो अब आपको करना क्या है, तो जो जो स्टेप्स मैंने इस वीडियो में इसे स्केच को तैयार करने के लिए बताए हैं उन सभी को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा जो गाइडलाइंस मैंने बजरंगबली के ये स्केच ड्रॉ करते समय बताई हैं उन सबको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ गाइडलाइंस मिल जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो अगर अब तक आपने कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि इस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आने वाले न्यू अपडेट्स आपको फौरन मिल सके। और दोस्तों लास्ट कंपटीशन की तरह इस बार भी विनर को एक अच्छा प्राइज दिया जाएगा। तो सभी कॉम्पिटिटर्स को कृष्णा टीम की ओर से ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ, टेक केयर एंड गुड बाय। वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया।